अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच। एंड जी आया हूँ और आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर होने जा रही है वो है आपकी चिकन मखनी हांडी। जी हाँ जी, चिकन मखनी हांडी है और हांडी इन हांडी है क्योंकि हम ये जो डिश है वो मिट्टी की हांडी में बनाएंगे और मिट्टी की हांडी में जो चीज़ बनने का जो टेस्ट है वो आम डिश के अंदर या आम देसी के अंदर जब हम खाना बनाते हैं तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क होता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर मैंने ये जो है वो तकरीबन 4 लोगों की सर्विंग है तो इसके अंदर जो है वो मैंने 1 जो चेस्ट पीस है वो मैंने इसके अंदर लिया है और उसके बाद इसको जो है वो हम लोगों ने ऑयल के अंदर चिकन को बोनलेस लिया और उसके अंदर बोन चिकन को जो है वो आपने फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा जी, ये चिकन की वो रेसिपी है जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर इंजॉय करते हैं और थाउजेंड्स के हिसाब से इस जो डिश है इसकी अमाउंट पे करते हैं क्योंकि घरों में ये टेस्ट नहीं आता है। मैं ये आप लोगों से इस बात पे बेट लगा सकती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी से ये हांडी जो है वो आप टेस्ट करेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये थाउजेंड्स के हिसाब से जो हांडीज आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं, बुंदू खान है, मसाला वाला है या बाग है, इन तमाम रेस्टोरेंट्स में जाकर आप थाउजेंड्स पे करते हैं इस हांडी के लिए। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आई कैन बेट कि आपको आप किसी और रेस्टोरेंट में जाकर अपना टाइम और अपने अमाउंट जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं कि इंसान डाइन आउट के बारे में निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचता है और फिर जहाँ पर आपकी फैमिली बड़ी हो वहाँ पर और ज़्यादा जो है वो मतलब इंसान बाहर निकलते हुए सोचता है। डे बाई डे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। अब ये 4 लोगों की सर्विंग के लिए बना है तो इसके ऊपर टोटल कम्प्लीट कॉस्ट जो आई है वो 500 रुपीज़ आई है और इंक्लूडिंग इसके साथ मैंने जो तिलों वाले नान हैं वो बनाए थे, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपके साथ आएगी। तो इंक्लूडिंग नान दोनों रेसिपीज़ को मिलाकर जो है वो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ जो आई है 4 लोगों की सर्विंग के लिए। तो आप देख लीजिए कि ये कितना बजट फ्रेंडली है और बहुत से इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐसे यूज़ हुए हैं जो आपके रूटीन के अंदर जो है वो मौजूद हैं और अगर आपकी रूटीन की ग्रॉसरी के अंदर बोनलेस चिकन आता है तो उसके अंदर भी फिर ये होगा कि आपकी आपको और ज़्यादा कॉस्ट जो होगी वो इसकी मिनिमल पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अंदर अब 2 टेबल स्पून जो है वो हम लोगों ने लहसुन और 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक डाला है। अच्छा, बीच में आपको वीडियो के बीच में थोड़ा सा ब्लैकआउट नज़र आएगा तो परेशान मत होइएगा, वो बीच में लाइट जाने की वजह से जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने चिकन लिया है, उसको फ्राई किया हल्का सा गोल्डन होने के ऊपर, 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक डाले हैं और इसके बाद हम लोगों ने 2 टमाटो की प्यूरी डाली है। आपके पास अगर टमाटो प्यूरी टमाटो का हम लोगों ने जो पेस्ट है वो डाला है, अच्छा बाज़ार वाला जो टमाटो पेस्ट है अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप वो भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना ये जो टमाटर का जो आपका पेस्ट है जो आपने जो मैश करके आप ब्लेंडर में बनाते हैं थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी आपका ठीक है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल आए इसके अंदर आपने जो है वो 2 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काट कर वो आपने इसके अंदर डाल दी हैं और आपने मिर्चों को पकने देना है कि खाने के में मिर्चों की खुशबू और मिर्चों का जो टेस्ट है वो आ जाए। इसमें कि जितनी भी आपकी बाज़ार में आपको बनी हुई हांडीज मिलती हैं किसी के अंदर भी जो है वो लाल मिर्च नहीं डाली जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डलेगी और आप देखिएगा कि आप इसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपका आम सालन का होता है। इसके अंदर कहीं पे भी हमने ज़रा सी भी लाल मिर्च नहीं डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है और भूनने के बाद जब आपको ये अच्छी तरह आपको लगे कि हाँ इसके अंदर से रॉ स्मेल मसालों की, टमाटर की, हर चीज़ की रॉ स्मेल चली गई है तो इसके अंदर आपने जो है वो एक जो चावल खाने वाला चम्मच है वो आपने भर के देसी घी का डालना है। अब क्योंकि मेरे पास इस वक्त देसी घी अवेलेबल नहीं था तो वाइट मक्खन मिलता है मार्केट में, ईजीली अवेलेबल होता है, आपके जो एरिए की जो डिपार्टमेंटल स्टोर है या ग्रॉसरी शॉप्स है वहाँ से आराम
से मिल जाएगा। तो वाइट मक्खन जो है वो उसकी जो है ना वो एक जो टिकिया ये देखिए आपके सामने, तो ये मैंने एक जो है वो इसके ऊपर डाल दिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सालन, मतलब ये मक्खन इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और जो सालन है आपको लगे कि हाँ अब इसके अंदर भूनने की कसर नहीं है, तो इसके अंदर आपने जो ये सारा जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो अदरक डालना है। और उसके बाद जो है जब आपने इसको सर्व करने लगना है, अब आपको है कि भाई ये तैयार हो गई है, अब आपने इसकी आग बंद कर देनी। और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं अपने इसे घर वालों को सर्व करने लगी हूँ या मेरे गेस्ट आ गए हैं तो मैंने उनको सर्व करना है, तो उसके बाद आपने इसे उतार के अपने चूल्हे से रख देना है। जब आपकी गेस्ट आए उसके बाद दोबारा आपने इसे चूल्हे के ऊपर रखना है। इसके अंदर 2 चावल खाने वाले चम्मच भर के जो है वो आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है, और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसे जो है वो सर्व करना है। सर्व आप नॉर्मल डिश के अंदर भी इसे सर्व कर सकते हैं, आप इसे कढ़ाई जो छोटी साइज़ की कढ़ाई आती है उसके अंदर भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे कैसरोल्स में भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो छोटी हांडी जो मतलब पकाया मैंने हांडी में है, लेकिन मैंने इसको सर्व जो है वो छोटी हांडी के अंदर किया था और उसको जो है वो मैंने गरम कर लिया था चूल्हे के ऊपर रखकर। जैसे हम अपने जो स्टेक्स की सर्विंग ट्रेज होती हैं उसको जैसे गरम करते हैं वैसे ही उसे हल्की सी आग के ऊपर जो है वो आपने उसे गरम कर लेना है, और उसके बाद जो है वो आपने हांडी जो है वो आपने उसके अंदर डालकर सर्व कर दी है। अभी आपके सामने सारे का सारा तरीका आएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो हांडी को जो है वो आपने सर्व करना है। ठीक है, ये आपकी फाइनल शक्ल है हांडी की मखनी की। ठीक है, चूल्हे के ऊपर रखकर हमने इसे गरम कर लिया। इसके अंदर हाफ जो मैंने जितना मैंने पहले पूरा डाला था अब इसके अंदर हाफ हमने जो है वो वाइट बटर डाला है। वाइट बटर डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो सारा जो हमने तैयार किया था चिकन हांडी तैयार की थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम बाकी का जो रिमेनिंग पीस बचा हुआ है मक्खन का वो रखेंगे, इसके ऊपर क्रीम डालेंगे और इसकी गार्निशिंग जो है वो हम लोग अदरक के साथ और धनिया के साथ इसकी जो है वो हम लोग गार्निशिंग करेंगे। इसे मैंने तिलों वाले नान के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो इसे तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें, तिलों वाले नान के साथ एंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके साथ जो मैंने तिलों वाले नान बनाए थे वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ शेयर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंटरटेनमेंट पंच एंड डोंट